हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके सामने साइंस के लेसन 4 के एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट आपका मैच द फॉलोइंग, यानी कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। फर्स्ट आपका बर्ड, बर्ड का क्या आएगा बेटा, बर्ड्स का आएगा होलो बोन्स, क्योंकि बर्ड्स के अंदर होलो बोन्स होती है। सेकेंड है हैबिटेट, हैबिटेट का आपका आएगा द नेचुरल होम ऑफ एन एनिमल, एनिमल के नेचुरल होम को क्या कहते हैं, हैबिटेट बोला जाता है। थर्ड है ब्लबर, ब्लबर किसे कहते हैं बेटा, ए थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, स्किन के नीचे जो मोटी चर्बी की जो परत होती है उसको ब्लबर बोला जाता है। फोर्थ है कैमोफ्लेनिंग एनिमल, तो बेटा इसमें आएगा जेब्रा। फिफ्थ है आपका पैरासाइट्स, पैरासाइट्स की क्या होता है बेटा, स्किन ट्यूब होती है। उसके बाद सिक्स्थ में आता है मिमिक्री, मिमिक्री होता है एक दूसरे जीव की नकल करना, तो उसमें आएगा बेटा आपका मॉथ कैटरपिलर। ओके, इसके बाद आपका आता है टिक द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर को इनमें से टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ दीज इज एन आर्बोरियल एनिमल, आर्बोरियल एनिमल्स इनमें से कौन से हैं, तो इनमें क्या आएगा बेटा, मंकी आएगा। सेकंड आपका विच ऑफ दीज एनिमल्स कैन ब्लेंड विद इट्स सराउंडिंग, कैन कन्फ्यूज इट्स एनिमीज, अपने एनिमीज को सराउंडिंग एरिया के अकॉर्डिंग कौन कन्फ्यूज करता है, इसमें आएगा पोलर बियर। थर्ड आपका कार्निवोरस हैज शार्प पॉइंटेड एंड कर्व्ड फ्रंट टीथ कॉल्ड, तो कौन से टीथ को बोला जाता है बेटा, कैनिज को बोला जाता है। फोर्थ आपका द लॉन्ग स्लीप ऑफ एनिमल्स ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन इज कॉल्ड, कोल्ड सीजन के अकॉर्डिंग जो एनिमल्स लंबे समय तक सोते हैं उनको क्या बोलते हैं, हार्बिनेशन बोला जाता है उनको क्या बोला जाता है बेटा, हार्बिनेशन। फिफ्थ आपका एक्यूटिक एनिमल्स ब्रीथ थ्रू द एयर, एक्यूटिक एनिमल्स होते हैं बेटा जो पानी में रहते हैं उनको एक्यूटिक एनिमल बोला जाता है, और वो किससे सांस लेते हैं बेटा, वो अपने गिल्स से सांस लेते हैं। इससे नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट आता है विच ऑफ दीज हैव लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ फूड, जी कह रहा वो कौन से जानवर है जो जिनके लंबे लंबे और मजबूत पैर होते हैं, जो लॉन्ग डिस्टेंस और ट्रैवल करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस को, लंबी दूरियां तय करते हैं इन सर्च ऑफ फूड, भोजन के तलाश में, तो इसमें क्या आएगा बेटा, डियर आएगा, क्योंकि डियर्स के लॉन्ग लेग होते हैं और हमारे लॉयंस के लॉन्ग लेग्स नहीं होते हैं। ओके, उसके बाद हमारा आता है विच ऑफ दीज इज नॉट एन एम्फीबियन, इनके अंदर एम्फीबियन कौन सा नहीं है, तो आपका एम्फीबियन वो होते हैं जो पानी और लैंड दोनों में रह सकते हैं, जो अपना टाइम पानी और लैंड दोनों में स्पेंड करते हैं, तो इनके अंदर लेमर, लेमर फ्रॉग और टॉड बोला गया है, तो इसमें क्या आएगा, लेमर, लेमर में होता है बंदर। ओके, अंडरस्टूड।